तो दोस्तों तैयार हो जाइए बॉलीवुड की सबसे महंगी मूवी की अब तक। जी हाँ दोस्तों, आज तक इंडियन सिनेमा में यानी भारतीय सिनेमा में कोई भी इतनी महंगी मूवी बनी नहीं है। और एक्चुअली में से बना कौन रहा है ये? नाम एक नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। ये ब्रांड ऐसा ब्रांड है जिसके साथ हॉलीवुड भी काम करने को तरस रहा है। हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स काम करना चाहते हैं SS राजामौली के साथ। ये SS राजामौली वही है ना जिन्होंने बाहुबली और बाहुबली 2 बनाई है। अरे भैया बाहुबली 3 भी आने वाली है, थोड़ा सा सबर करो, थोड़ा सा रुको जरा। बट यहां मैं आपको बता दूं कि SS राजामौली लेके आने वाले हैं 1,000 करोड़ के बजट की बिग मूवी। ये 1,000 करोड़ के बजट की जो बिग मूवी बनने जा रही है, ये आसपास के जो हमारे मुल्क है ना उनकी लगभग लगभग इकोनॉमी को प्रभावित करना जानती है। वैसे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो 1,000 करोड़ की ये मूवी बनने वाली है, इसके अंदर एक्टर कौन होने वाला है? एक्टर भी कोई छोटा मोटा नहीं होने वाला, बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, जिनका नाम है महेश बाबू। जी हाँ दोस्तों, साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं महेश बाबू साहब। इनको तो हर कोई जानता होगा, वैसे पब्लिक में इनकी अपीयरेंस कम रहती है, बहुत कम सड़कों पे निकलते हैं, बट जब कभी निकल जाते हैं तो लोग हमेशा यही बोल दिया करते हैं कि ये महेश बाबू के डुप्लीकेट घूम रहे हैं। अरे भैया ध्यान से देखो, आंखें खोल के देखो, चश्मा लगा के देखो, ये महेश बाबू ही हैं। बट यहां मैं बताऊं, SS राजामौली जो है वो बड़े पर्दे पर एक बड़ी मूवी लेके आने वाले हैं जिसका बजट 1,000 करोड़ है। साथ ही साथ ये जंगल एडवेंचर मूवी होने वाली है। और यहाँ पे जो हमारे महेश बाबू का लुक दिखने वाला है वो अब तक का सबसे अलग लुक दिखने वाला है, यानी कि रिवील होने वाला है, कुछ तो बहुत तगड़ा होने वाला है, इतना तो डन हो गया है। बट SS राजामौली है, SS राजामौली अपने आप में एक ब्रांड है। ये नाम ऐसा नाम है कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से चलता है। सुपर से डुपर फ्लॉप पिक्चर के आगे भी अगर SS राजामौली लगा दिया जाए तो वो पिक्चर भी इस तरह भागेगी जैसे कि गधे के सर से सींग भागते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि SS राजामौली के साथ महेश बाबू काम करने जा रहे हैं तो पिक्चर जबरदस्त होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। किसने भाई? SS राजामौली ने, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस तो SS राजामौली लगा सकते हैं ना, महेश बाबू थोड़ी लगा देंगे। SS राजामौली तो ऐसे कलाकार हैं, कलाकार के ऐसे डायरेक्टर हैं कि वो अगर ये कह दें कि भैया सलमान खान या शाहरुख खान को भी ये काम करना है और इस तरीके से करना है, तो सलमान और शाहरुख भी बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, बिना आनाकानी करे, चाहे बेशक वो किंग खान है या सुपर डुपर स्टार है। वैसे दोस्तों SS राजामौली ने साफ साफ बोल दिया है कि पब्लिक अपीरियंस बहुत कम रहेगी हमारे महेश बाबू की, यानी लोगों के भी ज्यादा उतना बैठना नहीं रहेगा, जबरदस्त तरीके से शूटिंग करी जाएगी और फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है इस पिक्चर के लिए। और फिजिकल फिटनेस के लिए हमारे महेश बाबू साहब काम भी कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके कुछ काउंसलिंग भी कराई जा रही है, काउंसलिंग बोली जाए या फिर प्रिपेयरिंग कराई जा रही है स्क्रिप्ट को लेकर। जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसके हिसाब से महेश बाबू को दिखना है, तो यानी पिक्चर तो बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि 1,000 करोड़ का बजट है इस पिक्चर का और बहुत ही धांसू मूवी होने वाली है ये। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो महेश बाबू है वो इस पिक्चर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। इसमें अब तक का उनका इतना जबरदस्त लुक देखने को मिलने वाला है जो आज तक किसी मूवी में देखने को ही नहीं मिला। यहां तक ये कहा जा रहा है कि हनुमान जी से मिलता जुलता कुछ लुक देखने को मिलने वाला है। और इसका कोई पोस्टर रिलीज नहीं करा जाएगा, इसका कोई फर्स्ट लुक नहीं दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अक्टूबर में इस पिक्चर को फ्लोर पे लाया जा सकता है। साथ ही इसका प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है, यानी कि लगभग लगभग राजामौली ने ये डन कर लिया है कि वो इस पिक्चर को करने जा रहे हैं। पिक्चर का कोई नाम अभी तक डिसाइड नहीं करा गया है, स्क्रिप्ट उनके पास रेडी है, शूट रेडी करना है कि शूट की तैयारी शुरू हो जाएगी, अक्टूबर से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। महेश बाबू जबरदस्त तरीके से काम करते नजर आएंगे, बॉडी बिल्डिंग में वो लगे हुए हैं, स्क्रिप्ट को वो पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस हिसाब से एक्टिंग किस तरह करनी है वो सब स्किल्स को सीखने में लगे हुए हैं। यानी कि जबरदस्त तरीके से SS राजामौली बम फोड़ने वाले हैं और ये बम बड़ा तगड़ा फूटने वाला है। वैसे दोस्तों आप ये कह लीजिए कि जब SS राजामौली बम फोड़ेंगे तो जबरदस्त तरीके का ही बम फोड़ेंगे, कोई छोटा मोटा बम नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि ये SS राजामौली है। पर मैं यहाँ एक चीज आपको बताऊं कि हाल ही के अंदर जब एनिमल मूवी रिलीज हुई थी तो उस टाइम में संदीप रेड्डी वांगा और SS राजामौली एक शो के अंदर दिखे थे। तो SS राजामौली ने सवाल करा था, किससे करा था? हमारे एनिमल से। एनिमल कौन भैया? एक ही है, रणवीर कपूर से। कि अगर आपको संदीप के साथ काम करने का मौका मिले या मेरे साथ काम करना पड़े तो हम दोनों में से आप किसे चूज करेंगे? तो उस टाइम एनिमल ने, यानी कि हमारे रणवीर कपूर ने बोला था कि सर इस टाइम तो मैं संदीप सर को ही चूज करूंगा, क्योंकि संदीप सर हैं। बट दोस्त SS राजामौली जैसा कोई नहीं है, जिसके पीछे हॉलीवुड लगा हुआ है, जिसके पीछे बॉलीवुड लगा हुआ है, जिसके पीछे टॉलीवुड लगा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आप स्क्रिप्ट दीजिए, और इनकी स्क्रिप्ट भी ऐसी ऐसी होती है कि भैया कहना ही क्या है। ये जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, वो स्क्रिप्ट मात्र भर अगर बॉलीवुड वालों को मिल जाए ना तो 400-500 करोड़ तो उनकी मूवी यूं ही कमा जाएगी। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि बंदा कैसा है, कितना जबरदस्त होगा। साथ ही साथ पिक्चर के अंदर म्यूजिक भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो ये मान लीजिए जबरदस्त तरीके से मूवी
झक्कास देखने को मिलने वाली है। और फिर दोबारा से ऐसे राजामौली सबको हिला देने वाले, क्योंकि वो अपने एम्स को रखते हैं लोगों के आगे, अपनी क्रिएटिविटी को रखते हैं, और दिन प्रतिदिन अपने आप को चेंज करते रहते हैं, अपने आप को नई चीजों से निखारते रहते हैं। ये कहानी, ये एक्चुअली के अंदर एक तरीके से देखा जाए स्किल है एसएस राजामौली में। अब आप लोग खुद देख लो बॉस क्या करना है। ये है एसएस राजामौली। अब राजामौली के साथ काम होगा तो जबरदस्त ही होगा, इतना तो डन हो गया है। बट मैं यहाँ एक चीज आप लोगों को बता दूं कि एसएस राजामौली तो ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज और है बॉस। और वो एक चीज और क्या है, वो एक चीज ये है कि जो हमारे महेश बाबू हैं उनका जो साउथ के अंदर है एक अलग रुतबा है, एक अलग रॉब है। बट एसएस राजामौली भी एक अलग ही फिल्म है। वैसे एसएस राजामौली प्रभास के साथ भी काम करते हुए जल्द ही नजर आने वाले हैं और बड़ी पिक्चर पे काम करने वाले। वो पिक्चर कौन सी है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी फिर कभी। साथ ही साथ प्रभास के साथ वो दोबारा से देखने को मिल सकते हैं, दोबारा नहीं तिबारा से कहा जाएगा बाहुबली के अंदर, क्योंकि बाहुबली तो बाहुबली है और एसएस राजामौली की मूवी है, कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, बहुत मजेदार मूवी है। तो मजा तो और आने वाला है। बट इतना कह लीजिए, आज साउथ के पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज हैं। साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं वो जानते हैं किस तरह की स्क्रिप्ट्स को लेके आना है, किस तरह की मूवीज को हमें बनाना है, किस तरह लोग हमें पसंद करेंगे, किस तरह की स्टोरीज को वो देखना पसंद करेंगे। अब आप लोग खुद सोच लीजिए, चाहे वो संदीप रेड्डी वांगा को ले लीजिए। भाई संदीप रेड्डी वांगा ने अर्जुन रेड्डी जैसी एक मूवी बनाई जिसके अंदर एक एक लव बर्ड को दिखाया गया, एक जोड़े को दिखाया गया, दो प्रेमियों को दिखाया गया किस तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं पागलों की तरह, और किस तरह फैमिली की वजह से अलग होते हैं, फिर मिलते हैं। वो डॉक्टर होता है, वो तो भी डॉक्टर होती है, दोनों स्टडी कर रहे होते हैं, कॉलेज में मुलाकात होती है। फिर उसी को हिंदी में डब कर दिया, उसमें ले लिया गया शाहिद कपूर को, कियारा आडवाणी को, फिर उस पिक्चर को बना दिया गया। भैया जब पिक्चर बनाई गई, कबीर सिंह बनाई गई, तो कबीर सिंह भी सुपर डुपर हिट, यानी कि एक पहले तो तेलुगु तमिल में थी और फिर अब उसे डब करके हिंदी में बनाया, वो भी सुपर डुपर हिट। फिर इन्होंने एक मूवी बनाई जिसमें एक फैमिली ड्रामा दिखाया, फैमिली दुश्मनी एंड फैमिली प्रोटेक्शन दिखाई, जो कि जिसका नाम रख दिया गया एनिमल। और इतनी जबरदस्त तरीके से इस मूवी को बनाया गया कि हर कोई देख के हैरान रह गया। वो भी 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। अब ये लेके आने वाले स्प्लिट, स्प्लिट जो मूवी लेके आने वाले हैं इसके अंदर लेके आ रहे हैं ये किसे, भैया हमारे एक ही हैं सलार भाई साहब, और जिनका नाम आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रभास। प्रभास जब इस पिक्चर के अंदर दिखेंगे तो जाहिर सी बात है हर एक इंसान का कहना यह है कि पिक्चर भी सुपर डुपर हिट होगी। बेशक प्रभास की पिक्चर नहीं चल रही हो, चाहे वो राधे श्याम हो, चाहे वो सलार हो, चाहे वो आदि पुरुष हो, या फिर वो उनकी और भी कोई मूवी हो बाहुबली के बाद की मूवीज, पर अगर हम बात करें कल्कि की तो कल्कि भी जबरदस्त होने वाली है। और अगर हम बात करें किसकी, भैया संदीप रेड्डी वांगा की स्प्लिट की, तो ये भी मूवी जबरदस्त होने वाली है। साथ ही साथ वो एनिमल पार्क लेके आने वाले हैं। तो मतलब साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, उनके पास स्टोरीज बहुत अच्छी है, और कलाकार तो कलाकार ठहरे भैया, बॉलीवुड के कलाकारों के साथ मूवी बना रहे हैं। चाहे वो एटली को ले लो, जवान बना दी, कितनी जबरदस्त जवान बनाई, हर कोई देख के खुश हो गया। जवान ने नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए, 1150 करोड़ का रिकॉर्ड बना दिया, अब तक का बॉलीवुड का सबसे तगड़ा रिकॉर्ड है। तो ये देखने वाली चीज है, और पिक्चर जबरदस्त तरीके से बनी रही है, ये आप लोग जानते हैं। तो भैया एसएस राजामौली की जो 1000 करोड़ के बजट में मूवी बनने वाली है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या लगता है ये पिक्चर कितनी बड़े लेवल पर बनेगी, महेश बाबू का क्या किरदार होगा, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नमस्कार।